So we have done uh, males of central tendency, and then now we will learn how to perform all these uh, in SPSS. Because, uh, this is more efficient, and uh, most likely you will be when you will be doing research, you will be doing all analysis in SPSS rather than uh, calculating by hand. But you must understand that we do So let's uh, open SPSS, or inside it, we हमें ऑलरेडी अब इंफॉर्मेशन है एंड वी हैव ओरिएंटेशन विद स्पेसिस दिस इज़ द डेटा व्यू और वी विल कैलकुलेट डिस्क्रप्टिवस यानी मीन मीडियन मॉड सो यू विल गो टू एनालाइज एंड देन यू विल गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड यू विल गो टू डिस्क्रप्टिवस और उसके अंदर आप अपना फ़र्ज करेंगे मेरे स्कोर्स हैं और इसका मैंने डिस्क्रिप्टिव uh, निकालने हैं तो आई कैन कैलकुलेट मीन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन मिनिमम मैक्सिमम एंड आई कैन हिट कंटिन्यू it will give me मी मीन मैक्मम मिनिमम एंड स्टैंडर्ड डिविशन जो भी हमने नहीं पढ़ा मोस्ट uh, जिस अगर आपने एक ही दफ़ा में तीनों निकालने हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे और फ्रिक्वेंसीज में जाएंगे और आप इसमें स्कोर्स को सेंड करेंगे स्टेटिस्टिक्स के अंदर यू विल कैलकुलेट मीन मीडियम एंड मॉड अभी हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल हिट कंटिन्यू और उसके बाद हम चार्ट्स में जाएँगे और हम इसे कहेंगे कि मे बी इंस्टोग्राम बना दें क्योंकि हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है स्कोरस हैं एंड इट इज़ गुड टू आस्क हिम टू ड्रॉ और नॉर्मल कर्व ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वो नॉर्मल से कितना को डेविएट कर रहा है या कितना को इधर उधर है वी विल हिट कंटिन्यू और बाकी फॉर्मेट वगैरह को रहने दें इसको हम ओके okay करेंगे तो हमारे पास ये इसने दे दिया है कि आपकी टोटल ट्वेंटी हैं और मिसिंग वैल्यू कोई भी नहीं है और ये हमारे पास उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये ऊपर इसने मीन मीडियन और मॉड कैलकुलेट कर दिया हुआ है सो इट इज़ टेन नाइन एंड फाइव और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि इसने हिस्टोग्राम बना दिया विच इज़ प्रट ऑफ अगर आप इसको देखें तो ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा क्योंकि हमारी फ्यूअर वैल्यूज़ हैं टूवर्ड पॉजिटिव टेल और ज़्यादातर लोग हमारे इधर फाइव सिक्स सेवन स्कोर ही ले रहे हैं uh, ये तो हमारे मीन मीडियन मॉड का हो गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और इस प्रोग्राम भी बन गया विद वन क्लिक नाउ लेट्स मेक सम ग्राफ्स एंड सी जैसा आपने मैंने आपको बताया कि हम ग्राफ से भी आइडिया कर सकते हैं कि मीन मीडियन मॉड का आइडेंटिफाई करना या लोकेट करना uh, मैंने एस की डेटा शीट के अंदर uh, कुछ वेरिएबल्स एंटर किए हैं जैसे ये है कि मैंने इसमें डेटा ऐड किया है जैसे सब लोग फोर फाइव सिक्स नंबर ले रहे हैं लेकिन दो लोग बहुत ज़्यादा नंबर ले रहे हैं तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वेन वी हैव वेरी फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन द डेटा इन मेजोरिटी इज़ हीयर तो इसका मतलब है कि ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड बनेगा और इधर अगर हम देखें तो सब लोग अच्छे नंबर ले रहे हैं फोर्टीज़ के अंदर लेकिन दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत लो मार्क्स ले रहे हैं सो मजॉर्टी इज़ हीयर पर दे आर टू पीपल हुआ स्कोरिंग लो तो इसका हमारा नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और इसके अंदर हमारा वैल्यूज़ ऐसे ही हैं यानी नाइन से लेके टू से लेके नाइन तक की वैल्यूज़ हैं तो ये हमारे स्कोर्स जो हैं प्रॉबली इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए लेट्स गो टू ग्राफ एंड देन डेगेसी डायलॉग एंड देन वी विल सेलेक्ट लाइन चार्ट लाइन में हम सिंपल को सिलेक्ट करेंगे और डिफाइन करेंगे और हम इसके अंदर अपना uh, वेरिएबल सेंड करेंगे सो so, मैं फॉर पॉजिटिव पॉजिटिवली स्कूल जिसमें हमने देखा कि सब लोग तो नंबर काम ले रहे हैं लेकिन फ्यू पीपल आर गेटिंग फोर्टीज मार्क्स तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाएंगे तो एज यू कैन सी कि हमारा ये टेल की तरफ से बिल्कुल ही वो टिल्टेड है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इस पर कर्व फॉर्मेशन करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारी पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व आपको नजर आएगा ये हम जब कर्व एस्टिमेशन पढ़ेंगे तो उसमें आई विल शो यू कि हम एग्जैक्ट कर्व कैसे बनाएंगे इसी तरह अगर हम ग्राफ uh, में जाएं और फिर हम लाइन चार्ट में जाएं और हम अब दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने देखा था कि नेगेटिवली यानी uh, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव नंबर ले रहे हैं कम नंबर ले रहे हैं मेजोरिटी अच्छे मार्क्स ले रही है तो हाउ इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे बनेगा एज यू कैन सी कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है और ज़्यादातर मजोरिटी हमारी यहाँ पे ये पीक हमारा जो है वो फोर्टी एट पर बन रहा है और इफ़ आई गो एन अ ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट स्कोर विच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी सारे ही वन से टेन के दरम्यान में ही आ रहे हैं So I will you know, select this variable, send it, and then I will hit OK. And I'll see, you see that our graph, hai, jo curve, is symmetrical as normal because there are no extreme values uh, hai. Um, So this is how we uh, calculate measures of central tendency and the graphs associated with these measures of central tendency.